नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी NPPA ने कैंसर और HIV दवाओं सहित कई जरूरी ड्रग्स की कीमतों में 35% तक की कटौती की है। NPPA ने अपने नोटिफिकेशन में एंटीबायोटिक डॉक्सीसाइक्लिन के प्राइस की सीमा तय की है और नेशनल लिस्ट फॉर एसेंशियल मेडिसिन यानी NLEM में पहले से शामिल 23 दवाओं की कीमतों की अधिकतम सीमा बदली है। इससे इन दवाओं के दाम में 10% से 35% तक की कमी आएगी। इस लिस्ट में ब्लड, ओवरीज और ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली मेनफोलॉन 2mg और मेनफोलॉन 5mg और शरीर में विशेष प्रकार के कैंसर सेल्स ग्रोथ धीमी करने के लिए इस्तेमाल होने वाली क्लोराम्ब्यूसिल 2mg शामिल है। NPPA ने HIV इन्फेक्शन के इलाज में काम आने वाली एंटी रेट्रोवायरल दवाओं जैसी जिडोवुडाइन 300mg और लेमिवुडाइन 150mg की अधिकतम कीमतों में बदलाव किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जो फार्मा मैन्युफैक्चरर्स अधिकतम प्राइस का पालन नहीं करेंगे उन्हें ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 213 और एसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट 1955 के प्रोविजंस के तहत वसूली गई अतिरिक्त रकम को ब्याज समेत जमा कराना होगा। दवाओं के लिए तय सीमा से अधिक कीमत वसूलने की वजह से मार्च के अंत तक फार्मास्यूटिकल कंपनियों को NPPA को 4,551 करोड़ रुपए चुकाने थे। ये रकम पिछले दो दशकों के दौरान जमा हुई है। पिछले सप्ताह बताया गया था कि सरकार की ओर से दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण करने के उपाय से कंज्यूमर्स को पिछले दो वर्षों में 4,988 करोड़ रुपए की बचत करने में मदद मिली है। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।